We have Mr. Sachin V. Joshi from Espalier, the experimental school. Good afternoon, Mr. Sachin. Great afternoon. First of all, we would like to know, what is this experimental school? एक्सपेरिमेंटल स्कूल बेसिकली थोड़ा अपने को पीछे जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने जो सेवाग्राम में जो एक्सपेरिमेंट किए थे छोटे बच्चों के लिए डेवलप करने के लिए, वो बेस लेके ही न्यूरो साइकोलॉजी का एक रिसर्च लेके एक पूरा कॉन्सेप्ट एजुकेशन का डिफरेंटली लाया है कि जहाँ बच्चे पढ़ाई से बुक्स में नहीं करते, इसे प्रैक्टिकली करते। यानी कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो खेती करते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो स्कल्पचर करते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जिससे बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है। इज अ न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट। A new concept actually we are knowing about. So it is called Espalier, the experimental school. Okay, you have won such a prestigious award today. So you feel that your efforts have been finally rewarded? Yes, आज ऐसा लग रहा है कि जो एजुकेशन में लास्ट 9 ईयर से अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, इंडिया का फर्स्ट मोबाइल स्कूल मैंने बनाया है, देन आफ्टर म्यूज़िक और एजुकेशन को कंबाइन किया, और ये जो अभी का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट लाया है कि जो बच्चों का जो ब्रेन है 70% पर्सनैलिटी अपनी 6 साल के अंदर होती है, तो वो कॉन्सेप्ट लेके बच्चों को एक अलग ढंग से उनके पर्सन डेवलप करने के लिए जो हमने रिसर्च करके वो पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया, आज बिकॉज ऑफ ब्रांड एकेडमी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि एक अवार्ड्स उसके इसके लिए मिला है। सो आई रियली थैंक यू टू ब्रांड्स एकेडमी। आई मस्ट से काफ़ी इनोवेटिव है ये आपका आइडिया कॉन्सेप्ट। सो आज आपको इसी कॉन्सेप्ट के लिए अवार्ड मिला, वो भी डॉक्टर शशि थरूर से। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? या शशि थरूर के बारे में, डॉक्टर के बारे में बहुत सुना था, उनका आर्टिकल्स पढ़े थे, बुक्स पढ़े थे। आज इतना हम्बल मैंने देखा, इतना डाउन टू अर्थ, तो मैं उनके लिए एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी को ना हो सके उसके कदर का अंदाज़ा, वो आसमा है मगर सर झुकाए फिरते हैं। तो दैट वाज ग्रेट इंडीड, आई मस्ट गिव हिम ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। यस, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज योर मदर ऑफ सक्सेस? मदर ऑफ सक्सेस हॉनेस्टी, हार्डवर्क, और जो मेरे कलीग्स है, जो मेरे स्टाफ है और जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स है। ये महाराष्ट्र का फर्स्ट स्कूल है जिसका कंस्ट्रक्शन, जिसकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 CR इस हमारे स्कूल के पेरेंट्स ने किया है, विथ गिविंग अ डोनेशंस एंड एवरीथिंग, कि स्कूल अच्छा है तो उसको डेवलप करने के लिए। तो सक्सेस का मंत्र यही है कि हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। फाइनली अपने सक्सेस को कुछ शायराना अंदाज में बयां करना चाहेंगे? अभी तो उतना इमीडिएटली शेयर याद नहीं आएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इफ यू विन एन अवार्ड, डेफिनेटली आपको अपनी सक्सेस को शायराना अंदाज में बयां करना पड़ेगा। आई एम श्योर तब तक आपके पास बहुत सारी पंक्तियां होंगी बोलने के लिए। सो फाइनली एनी वर्ड्स फॉर योर ऑडियंस है? एजुकेशन में हम काम करते हैं पेरेंट्स के लिए, काम बेसिकली चलता है, पेरेंटिंग स्कूल हम चलाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देर इज़ अ ब्राइट चाइल्ड इन एवरी चाइल्ड, सो बिलीव इन योर चाइल्ड। यही मैं जितने भी ऑडियंस हैं उनको कहूँगा कि हम बच्चों में काम करते हैं, बहुत इनोसेंट वो बच्चे रहते हैं, बिलीव वो बच्चों में बिलीव करो उनमें, और हर चाइल्ड इज़ अ यूनिक, देर इज़ अ ब्राइट चाइल्ड इन एवरी चाइल्ड। दैट वॉज ग्रेट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। वी कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन। May you win thousands of awards in your life. Thank you for your